हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इजीली एंड क्विकली बनने वाली इडली फ्राई। बहुत ही जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने आज सुबह इडली बनाया था, तो थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था। तो आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी शेप में यहाँ पे कट कर सकते हो, मैंने ऐसा नॉर्मली ही कट किया है। तो चलिए देखते हैं इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या लगता है इसके लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेथी ले लिया है, फिर मिर्ची पाउडर, फिर राय और हल्दी, हिंग और थोड़ा सा मिर्ची ले सकते हो, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे लिया है मैंने सांबर पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, बट इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी हिंग। हिंग मैंने यहाँ पे 2 चुटकी ही डाला है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी मैं मिर्ची, जो हरी मिर्ची होती है वो, ये ऑप्शनल है। आप अगर हरी मिर्ची डाल रहे हो तो रेड चिली पाउडर मत डालो, या वो डाल रहे हो तो ये मत डालो, ऐसे भी आप कर सकते हो। बट मैंने दोनों इक्वली प्रपोर्शन में डाला है तो इट्स ओके। फिर उसमें डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून मेथी, 2 टीस्पून राय। राय भी आप ज़्यादा कम कर सकते हो, मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है स्पेशली इडली फ्राई में, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। फिर 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ये तो की इन्ग्रीडियंट्स है सांबर पाउडर। ये आपको कोई भी शॉप में, जो साउथ इंडियन शॉप रहता है वहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, या कोई भी डीमार्ट या ग्रॉसरी शॉप में, इवन आपको ऑनलाइन भी ये मिल सकता है। बट ज़रूरी नहीं है ये डालना ही है, ये नहीं डालोगे तो भी टेस्ट अच्छा ही आता है, बट ये डालने से और ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने डाल दिया इडली, और मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि सब मसाले एक दूसरे में अच्छे से कोट हो जाए। उसके बाद में मैं डालूँगी इसमें नमक, यहाँ पे सॉल्ट आप आपके अकॉर्डिंग ही डालना, और इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैं इसमें डालूंगी एक छोटी सी वाटी, या आप बोल सकते हो बहुत ही कम, लाइक लिटरली बहुत ही कम, आप देख सकते हो वीडियो में। एक छोटी सी कटोरी में मैंने पानी डाला है इसमें। पानी से क्या होगा कि नीचे इडलियाँ चिपकेगी भी नहीं, और जब हम इसे कवर करके रखेंगे तो वो स्टीम में अच्छे से पक भी जाएगी। हमें इसे 10 मिनट तक ही पकाना है। और यहाँ पे आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो, बट मेरे पास यहाँ पे कोकोनट की चटनी थी और टोमेटो की चटनी भी थी, तो मैंने उसके साथ सर्व किया है। इसे गरम गरम सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।